पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। चलो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया किया। KFC में मैं गया था, उन्होंने मुझे मना कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे, पता नहीं क्या ड्रामा है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मुझे लग रही है भूख, तो मैंने कहा स्विगी से नाम ला के, मतलब स्विगी से नाम ऑर्डर करके मैं खुद ही लेने चले जाता हूँ। तो यहीं अपनी मार्केट में बाहर निकलूँगा, रोड पे अगर मिल जाएगा तो कुछ वहीं से ले आऊँगा, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं जो भी होगा। बट रात को यार बिल्कुल रोड खाली रहती है, मतलब मेरे को जो मज़ा आता है ना रात की ड्राइविंग में, बेस्ट, सबसे बेस्ट रहता है। तो देखते क्या मिलता है अभी आज, मतलब लक्ष्मी नगर के अंदर रात में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वैसे तो कुछ है नहीं, मुझे देख नहीं रहा, अपनी मार्केट में तो सारी बंद है, फ्रूट्स भी नहीं है, जो मैं फ्रूट्स ले लेता और वही फ्रूट्स ही खा लेता, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो देखते लेट्स सी क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्लान करते हैं। तो भाई आइसक्रीम वाला खड़ा है, तो आइसक्रीम तो लेनी नहीं है फिलहाल, आंटी जी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अपनी मार्केट तो देखो सारी बंद है भाई, देखो आगे पीछे दाएँ बाएँ जितनी भी दुकानें सारे बंद हैं। ये लोग हमारे स्विगी वाले भाई घूम रहे हैं, लाइफ सेवर है वैसे ये रात में। बाहर रोड पे, रोड की साइड होगा बाहर, जो मेन मार्केट है ना, मतलब मार्केट के बाहर अगर रोड पे निकलेंगे ना विकास मार्ग पे, तो वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ देखते हैं क्या है। भाई यहाँ भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, देखो शोरूम वगैरह सारी खाने पीने की शॉप्स जो ऑलमोस्ट बंद है। एक बर्गर क्लब था पीछे, वो भी बंद है। तो मैं सोच रहा था कि यार उसका बर्गर अगर मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। तो लेट्स सी क्या हो सकता है भाई, कौन है पता नहीं, कौन है किस चीज़ की होता है रेडी पे। तो आइसक्रीम ही है भाई, और आइसक्रीम मेरा खाने का मन नहीं है। इधर ये बिरयानी वाला खड़ा है, ना नो बिरयानी, बर्गर टाइप का कुछ खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं भाई अगर मिल जाए कुछ, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ प्रीत विहार की तरफ, अगर मिल जाए यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। सारा देखो सारे शॉप, यार ये बर्गर किंग है खुला है, हाँ खुला है लेकिन बंद हो गया, अंदर है स्टाफ लेकिन बंद हो चुका है। तो यार पेट्रोल भी इसमें हो रहा था ख़त्म, तो मैंने कहा भरवा लेता हूँ। देखो ब्लिंक कर रही है बिल्कुल लाइट, ऐसा कभी नहीं होता हमारी गाड़ियों में, बट लेकिन लास्ट टाइम मैं लेके गया था दिमांशु ने कहा मैं भरवा लूँगा, मैंने कहा चल एक पॉइंट है, कह रहा है चल ठीक है, बट मैं अभी लेके निकला हूँ तो मैंने कहा पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है तो भरवा लेता हूँ, और खाने को तो मिला नहीं फिलहाल, यहाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं। सो भाई पेट्रोल मैंने भरवा लिया है फिलहाल, शॉप मुझे कुछ दिख नहीं रही यार, देखो आधी से ऊपर हो गई टंकी, अब खाने पीने की शॉप कुछ नहीं दिख रही मुझे, क्या किया जाए यार। भूख लग भी रही है, मैं सोच रहा हूँ घर जाकर, नहीं मिला कुछ तो घर जाके कुछ वो मंगा लेंगे, मतलब वाइफ को बोलूँगा बना दे, बट वो सो गई है तो उसको मेरे को, मतलब ऐसे बोल दो मैं उसको बता के आया हूँ, बट वो सो गई है तो मेरे को उसको उठाने का मन नहीं है, वरना मैं उससे ओट्स बनवा लेता, खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कहाँ रखे, ये भी दिक्कत है। देखते हैं यहाँ पे मेरे को, आई थिंक कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, 24/7 भी है यहाँ पे, बट मेरे को उसमें से ना कुछ भी नहीं खाना है वहाँ पे, मेरा मन एक्चुअली बर्गर खाने का है। अगर बर्गर क्लब का बर्गर होता तो बढ़िया एकदम, नहीं तो कुछ और कोई लोकल बर्गर भी मिल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्गर ही खाने का मन है एक्चुअली। भाई यहाँ पे ये KFC गया था मैं, अंदर गया, अंदर जाने के बाद पता लगा कि भाई ये भी बंद हो चुका है, उन्होंने कहा सर ऑर्डर वॉर्डर नहीं ले पाएंगे क्योंकि सिस्टम हमारे क्लोज हो चुके हैं, तो स्विगी वालों के जो ऑर्डर्स बचे हैं बस वही डिलीवरी करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार भाई वहाँ से भी निराशा हाथ लगी है। अब एक यहाँ पे एक वैन खड़ी होती है, वहाँ जाके देखा जा सकता है। सामने भाई ये भी दो शॉप्स हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है सारा सामान, वापस गाड़ी के अंदर बैठ के निराशा लेके जा रहे हैं साथ। ली जैसी जगह में यार कुछ नहीं मिल रहा है, हद हो गई है, मतलब अगर मैं नोएडा वोएडा CPUP साइड चला जाऊँगा तो मिल जाएगा इजीली, बट लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता इतनी दूर। चलो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया किया, चार चार लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन काम चल लिया था। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, अब तो मेरे को लग रहा है अभी घर में ले लेता हूँ वापस। बीवी का भी फ़ोन आ गया, वो कह रही है वापस आ जाओ, मैंने कहा भूख लग रही है फिर बना देगी, कह रही वो बनाऊंगी नहीं लेकिन वापस आ जाओ, वापस चल रहे भाई इसे राइट लेके। बेचारे आइसक्रीम वाले ही खड़े हैं, बाकी और कोई नहीं खड़ा फूड वूड वाला, तो भाई अब एक ही आस रह गई है, मतलब दूर में जाना नहीं चाहता, वरना मिलने को तो क्या नहीं मिल सकता, बट लेकिन दूर में जाना नहीं चाहता। और एक जगह और चेक कर सकते हैं, गली में एक भाई है, एक आगे देख के आते हैं, नहीं होगा तो फिर घर ही चलेंगे यार, क्या करेंगे भूखे सो जाएंगे। फ्रूट्स भी नहीं है एक्चुअली, जनरली मेरे साथ ना बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं अगर रात को उठा रहूँगा ना
तो मुझे भूख लग जाती है मेरे साथ, और मैं सो गया था लिटरली, मैं सो गया था। बट लेकिन काशु एक्चुअली पत्नी काशु भी सो रही थी, और काशु ने मेरे को बोला पापा पापा, तो मेरी नींद ना खराब हो गई फिर वहाँ पे। और उसके बाद मैं उठ गया, तो मैं उठ ही गया, तो फिर क्या था कि काशु ने उठा दिया और उसके बाद मेरी नींद खराब हो गई। अब मैं उठा हुआ हूँ, तो अब मैं उठा हुआ हूँ तो फिर मैंने भूख लगेगी, ये मेरे साथ दिक्कत है। उठ गया एक बार तो फिर मेरे को भूख ही भूख लगेगी। यार यहाँ पे भी एक बंदा खुला होता है रात में, होपफुली वो खुला हो, उससे फिर मैं बंद है क्या, आगे है उसकी दुकान, ये नहीं पता नहीं, यहाँ पे एक बंदा होता है, अगर वो हुआ तो ठीक है, वरना सीधा फिर घर चलेंगे हम। भाई है तो सही बंदा खुला हुआ, ये रहा खुला हुआ है, देखते चक्करते भाई। भाई पे सिर्फ रोल ही रोल था, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब तुम बोलो किशोर भाई बड़े चूजी हो रहे हो, अरे यार भाई चूजी तो तुम्हारा भाई है ही। एक्चुअली मैं नॉन वेज वगैरह खाता नहीं, और वेज में ना ये मैं नहीं खाता कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो मुझे हेल्दी कुछ ठीक साग चाहिए। बर्गर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे वो भी अनहेल्दी होता है, बट स्टिल बेटर देन ये तला वाला से ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है भाई इन दी एंड। अब फाइनली हम घूम के वापस मैं घर ही जा रहा हूँ, वापस ले लेता हूँ गाड़ी और घर चलते हैं। घर आ गया हूँ और नीचे वाले फ्रिज में एक्चुअली खाने का सारा सामान ऊपर वाले फ्रिज में, नीचे वाले फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ खीरे पड़े हैं। क्या किया जाए, देखते हैं खीरे ही खा ले। अरे यार एक नाग भी पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। भाई मेरी बीवी इतनी तेज है ना, अंदर से आई आवाज़ सुनी में आ गया, कह रही कुछ लाए नहीं, मैंने कहा नहीं, कह रही भाग जाओ यहाँ से। भाई क्या बीवी मिली है यार, मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ यार, एक बज गया है, ऑनलाइन कर देते हैं ऑर्डर। चलो गाइज फाइनली ऑनलाइन ऑर्डर हो चुका है और विद इन 15-20 मिनट्स आ जाएगा, बट दिक्कत ये कि समय जो है वो एक बज गया है, तो 15-20 मिनट में आ जाएगा। और हमने किया है बर्गर, लेकिन जिस KFC में मैं गया था उन्होंने मुझे मना कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे, पता नहीं क्या ड्रामा है, कल जाके इनकी रील लगाऊंगा। तो मेरी बीवी ने किया है मेरे लिए वेज बर्गर, क्रिस्पी क्या था यार, सो रही अभी, जो भी था मतलब क्रिस्पी बर्गर कर लिया, और इसने अपने लिए भी कर दिया। मतलब पहले अपने लिए फिर मेरे लिए किया है। तो भाई बहुत ही जल्दी आ रहा है हमारा, ये देखो सिर्फ 8 मिनट दिखा रहा है, 8 मिनट्स। तो यार 8 मिनट्स में पहुंच जाएगा यहाँ, सेम वाले जहाँ मैं गया था उसी वाले KFC से लेके आ रहा है भाई, ठीक है ना, तो ये लेके आ जाएगा यहाँ तक 8 मिनट्स में, 8 मिनट्स में। ओके आ गया भाई, हर्षवर्धन नाम था भैया का, और बहुत ही ज़्यादा स्वीट बंदे थे। एक्चुअली गलती से ना 2 रुपये चले गए थे टिप पे, तो मैं उन्हें कैश दे दिया, तो फिर वो खुश हो गए। तो मतलब छोटी छोटी खुशी बांटते रहने से ना यार क्या जाता है, तो बल्कि वो बोल भी रहे थे, कह रहे आपने गलती से 2 रुपये दे दिया ना, इसलिए भैया कोई बात नहीं। इतनी बदतमीज हो रहा है, कह रही बीवी के राज में खा लो, आज पहली बार इसने अपने फ़ोन से ऑर्डर कर दिया तो बीवी के राज हो गया। सुकून खा लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा देखा ना, मैं नीचे क्यों गिरा दिया भाई, तो खा के मिलता हूँ गाइस, ठीक है खा के क्या मिलता हूँ। अब सो जाओ तुम भी, रात को देख रहे हो तो सो जाओ, दिन में देख रहे हो तो भी सो जाओ, ठीक है। मैं भी सो रहा हूँ खा के, बस जस्ट खा के सीधा लेट जाऊँगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।